चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप बहुत सारे पैसे बचाकर घर के ही कंफर्ट जोन में बैठकर एट होम पेडिक्योर कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं कि घर पर ही किए हुए पेडिक्योर से कैसे आप अपने पैरों की टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही बढ़िया से वीडियोज़ को इन्जॉय करने के लिए सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें ताकि आपको वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेट्स रोल। पेडिक्योर के इन प्रोसेस जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इनसे ना सिर्फ आपके पैरों की टैनिंग खत्म होगी, अगर है तो आपके पैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे क्योंकि रेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी और जो ब्राइट स्किन आप मिस कर रहे थे वो भी आप अचीव कर सकते हैं इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है नेल पेंट रिमूव करना, अगर आपने लगाई हुई है तो। नाउ देखिए, नेल पेंट को रिमूव करने में आपको यूज करना है एक एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ कलरबार का। नाउ एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल मैं इसीलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज आपकी नेल बहुत ज्यादा पीले पड़ जाते हैं। अधिकतर केसेस में नेल्स का पीला पड़ जाना जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो बेटर ही रहेगा। तो अच्छे से नेल पेंट को रिमूव कर दीजिए और उसके बाद में नेल्स को नेल कटर की हेल्प से काट लीजिए। ये जो पूरा नेल टूल का सेट है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये काफ़ी सस्ता भी है और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो आप घर के आसपास लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको जो भी शेप देनी है आप वो दे सकते हैं, राउंड स्क्वायर। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप नेल के कॉर्नर्स जो होते हैं उनको डीपली ना काटें, अदरवाइज आपको पेन तो होगा ही लेकिन जो इनग्रोन नेल की प्रॉब्लम होती है शायद उसको भी फेस करना पड़ जाए। सो अवॉइड डूइंग दैट। हमारे पूरे बॉडी पर ना बाल होते हैं, सो फॉर ऑब्वियस रीजन हमारे पैरों पर भी होंगे, तो मैं इनको भी रिमूव कर रही हूँ यूजिंग वैक्सिंग प्रोसेस। सो यहाँ पर मैंने जो कोल्ड वैक्स होती है उसका इस्तेमाल किया है, इसको मैं बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में लगा दूंगी विद द हेल्प ऑफ ए स्पैटुला एंड देन स्ट्रिप को रख कर काफ़ी अच्छे से मसाज करूंगी एंड देन उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाल दूंगी। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा क्लीन फिनिश मिलेगी और एक ही स्ट्रोक में आपके बाल अच्छे से निकल जाएंगे। सो ट्राई दिस। वेल, अगर आपको येलो नेल्स की प्रॉब्लम है रिगार्डलेस ऑफ कि आप कौन सा नेल पेंट रिमूवर यूज़ करते हैं, देन आपको ट्राई करना चाहिए ये देसी नुस्खा जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं लेमन का। तो लेमन को लीजिए, हाफ कट कर लीजिए एंड देन हाफ नींबू को आपको यूज़ करना है आपके नेल्स पर रब करने के लिए। जेंटली यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अपने नेल्स पर इसको रब करिए एंड आपको इंस्टेंटली फ़र्क देखने को मिलेंगे। नाउ बाय इंस्टेंटली आई मीन इंस्टेंटली विद इन सेकेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि कितने अच्छे से ये एक शाइनिंग देता है आपके नेल्स को, एज वेल एज वो जो येलो कलर था, येलो टिंट था उसको काफी हद तक कम होता हुआ आप देखेंगे एक ही यूज में। सो डेफिनेटली ट्राई इट। पेडिक्योर के पूरे प्रोसेस में ये वाला स्टेप मेरा फेवरेट है, ये बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग भी है। सो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक टब और टब में पानी भर दीजिए इतना कि इसमें आपके पैर आसानी से डूब जाएं। इस प्रोसेस में पानी आपको चाहिए होगा गरम और पानी को इतना ही गरम लें कि आप उसमें पैरों को आसानी से रख पाएं, आपको कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद में ऐड करना है आपको इसमें नमक, यहाँ पे मैं क्वांटिटी आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी आधा नींबू। आपको चाहिए होगा शैम्पू, शैम्पू की जगह पे आप बॉडी वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक शावर जेल। उसके बाद में आपको चाहिए होगा हनी एंड दैट्स ऑल। इन सबको अच्छे से मिक्स करके और लास्टली स्पा वाइप के लिए मैंने यहाँ पर यूज किए हैं ये गुलाब की पत्तियां। बुके घर में आया हुआ था तो स्पा वाइप के लिए मैंने यहाँ पर ये गुलाब की पत्तियां भी डाल दी। टब की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए पैरों को सलीके से उनमें रख दीजिए। गर्म पानी में पैरों को रखने का फायदा ये होता है इससे आपके पैर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं। सरल भाषा में तो इससे जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए। क्यूटिकल एरिया अच्छे से क्लीन हो पाए इसके लिए उनको सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे यूज करी है निव्या क्रीम, आप चाहें तो आपका फेवरेट मॉइस्चराइजर, हैंड क्रीम, फुट क्रीम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल भी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको चाहिए होगा एक फुट फाइलर और फुट फाइलर की मदद से आपको अच्छे से आपके पैरों को स्क्रब करना है। आगे से पैरों को स्क्रब करने के लिए स्पेशली बिटवीन योर फिंगर्स आप यूज कर सकते हैं लूफा का भी। दोनों ही तरीके से आपको अच्छे से अपने पैरों को स्क्रब करना है जब तक कि आपको महसूस ना हो कि आपके पैर बहुत ज्यादा लाइट वेट फील कर रहे हैं और जो भी गंदगी थी जो कि आपको विजिबल थी वो निकल चुकी है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और अपने पैरों को तकरीबन 12 से 15 मिनट तक इस टब में रखे रखिए। अब अपने पैरों को टब से निकाल लीजिए। आफ्टर दैट जो क्यूटिकल रिमूवर होता है इसकी हेल्प से सारी डेड स्किन को निकाल लीजिए। इससे आपके नेल्स की शेप बहुत ज्यादा सुंदर लगती है और जो भी सारी गंदगी होती है स्पेशली नेल के नीचे वाले हिस्से में वो भी आप रिमूव कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से। इस स्टेप को देखते हुए शायद आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, बट लेट मी टेल यू, बिल्कुल रिलैक्सिंग मेथड होता है ये, इसमें जरा सा भी पेन नहीं होता, बस वो दिखता है कि ऐसा हो रहा है। डेड स्किन को निकालने में हमको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है और वो आसानी से निकल जाती है हमारे नेल्स और क्यूटिकल एरिया को साफ करते हुए।
जब आपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया हो, दोबारा से गर्म पानी वाले टब में अपने पैरों को डिप कर दीजिए। नाउ यहाँ पर वो जो पानी गर्म था वो अब तक गुनगुना हो गया होगा लेकिन ठंडा नहीं हुआ होगा। सो उसमें रहने दीजिए 2-5 मिनट और उसके बाद में पैरों को निकाल कर और अच्छे साफ पानी से वॉश कर लीजिए और उसके बाद में एक क्लीन टॉवल की हेल्प से टॉवल ड्राई कर लीजिए पैरों को। अपने पैरों को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए दोबारा से मैंने यूज करी है निविया क्रीम। आप चाहें तो इस प्रोसेस में ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली द आइडिया इज टू मसाज योर फीट फॉर एटलीस्ट 1/2 मिनट एंड देन आपको आपके पैरों में बहुत अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। लास्टली ये जो रिजुवनेशन वाली अल्टीमेट फीलिंग है ना, इसको आप एंड कर सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से आपकी फेवरेट नेल पेंट के कलर से। एंड उससे भी पहले याद रखिएगा बेस कोट अप्लाई करना, बिकॉज बेस कोट से आपकी जो नेल पेंट है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझसे जो बेस कोट अप्लाई करने वाला फुटेज था वो फिल्म ही नहीं हुआ था। और बेस कोट को लगे रहने देना है आपको 2-3 मिनट और उसके बाद में फेवरेट नेल पेंट आपकी लगा लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बस इतना ही आसान है एट होम पेडिक्योर, जो कि आपके पैरों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। ये एट होम पेडिक्योर जो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करने वाला था, इसको आपको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ मंथ में एक बार एंड दैट्स अबाउट इट। इससे ना सिर्फ आपके पैरों की खूबसूरती बरकरार रहेगी बल्कि जो डेड स्किन का फॉर्मेशन होता है, टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, उससे भी आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इतना ही सिंपल है एट होम पेडिक्योर करना। इसको आप मंथ में एक बार भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके पैरों पर इफेक्ट आप खुद ब खुद देख पाएंगे एक ही यूज़ से। आई होप आपके लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। जब भी आप इस पेडिक्योर को ट्राई करें तो प्लीज़ आपका जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा जानकर कि आपके पैरों पर इसके कैसे रिजल्ट रहे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल सो मच। बाय।